हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी, डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज एजुकेशन बेंगलुरु। आज मैं आपके लिए और एक कोर्स लेके आया हूँ जर्मनी के लिए, जहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हो। और जो बच्चे इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपना ट्वेल्थ साइंस मैथ्स में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, वो बच्चों के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या एलिजिबिलिटी है, कोर्स का नाम क्या है, क्या ट्यूशन फी है या नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आपको स्टाइपेंड मिलता है, क्या एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते जाएंगे और जो आपको एक करियर को एक नया पाथ या एक नया रास्ता दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज मैं जो कोर्स का डिस्कशन करने वाला हूँ दोस्तों, वो कोर्स का नाम है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 3.5 to 4 years का कोर्स है ये दोस्तों, 3.5 to 4 years का कोर्स है। जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता क्या है, तो दीज काइंड ऑफ इंजीनियर फिट एंड रिपेयर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मशीनरीज एंड प्लांट इक्विपमेंट दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड दे कैरी आउट रिपेयर्स इन ऑफिसेस एंड फैक्ट्री वर्कशॉप एंड शो ऑपरेशंस हाउ देयर इक्विपमेंट्स वर्क। सो ये डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की, कि ये कोर्स में क्या है, एग्जैक्ट ये कोर्स क्या है। तो जो भी इंडिया में, जो जैसे आई बिलोंग्स टू कर्नाटका, माय स्टेट इज कर्नाटका, तो कर्नाटका में क्या होता है, पीसीएमबी साथ में रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी रहता है और मैथ्स भी रहता है। लेकिन अगर हम नॉर्थ में जाए, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें और अदर नॉर्थ स्टेट की बात करें, तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स 10th के बाद जो सब्जेक्ट जो चूज़ करते हैं आप, वो डिफरेंट आपको चेंज करना पड़ता है, या तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ता है या आपको मैथ्स ही लेना पड़ता है। तो ये उन बच्चों के लिए जो मैथ्स लेते हैं 12th में एंड लुकिंग फॉर एन इंजीनियर इंजीनियरिंग करियर इन अब्रॉड, और आप अपना लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बन के अपनी लाइफ को संवारना चाहते हैं, तो आज इस कोर्स का हम इसीलिए डिस्कशन में आपको कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या जो पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग कि क्या एलिजिबिलिटी है, तो 12th में सिर्फ आपको 60% चाहिए, एंड मेन इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए दोस्तों। और जर्मन लैंग्वेज के लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वेल केयर कॉलेज ऑफ एजुकेशन इज ऑलवेज देयर टू ट्रेन यू विद द वेरी वेल ट्रेन्ड जर्मन ट्रेनर। हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस जर्मन ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, वी हैव अ स्टूडेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, लाइक फ्रॉम नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, गल्फ कंट्री, ये सारी कंट्री से भी स्टूडेंट है। तो ये सबसे लैंग्वेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और खुशी की बात आपको मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे आप अपने फाइनेंस को बचा सकते हो, क्योंकि इस कोर्स में आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, नो ट्यूशन फी, एंड आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको रहने खाने के लिए स्टाइपेंड भी मिलता है, जिस भी कंपनी के साथ, वोकेशनल स्कूल के साथ आप जाके पढ़ते हो। और कितना स्टाइपेंड मिलता है तो देखिए, बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड इस कोर्स में आपको मिलता है। फर्स्ट ईयर में आपको 860 यूरो से लेकर 957 यूरो फर्स्ट ईयर में मिलता है। सेकेंड ईयर में आपको मिलता है 918 से लेके 1007 यूरो के आसपास। थर्ड ईयर में आपको मिलता है 977 यूरो से 1096 यूरो, एंड फोर्थ ईयर में आपको मिलता है 1008 यूरो से लेके 1155 यूरो। तो आप देख सकते हो कि वेरिएबल है, 860 यूरो से लेके 1200 यूरो तक आपको इसमें स्टाइपेंड मिल रहा है, मतलब मिनिमम
80 लाख से लेके 1,20,000 तक एवरी मंथ यू गेट स्टाइपेंड, नो ट्यूशन फी एंड यू आल्सो गेट स्टाइपेंड इन दिस कोर्स। तो कितना बेनिफिशियल आपका कोर्स है, किस, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये कोर्स करने के बाद आपका जो जॉब का सपना रहता है, हर किसी का, पेरेंट्स का क्या सपना है, पढ़ाई तो हर लोग करते, स्टडी तो हर लोग करते, हर बच्चा करता है, लेकिन पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फ्यूचर क्या है। यही है फ्यूचर, जहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि आप 3 साल से या 4 साल से सेम ही कंपनी के साथ उस वोकेशनल स्कूल से अटैच आप उनसे सीख रहे हो, काम कर रहे हो, तो 3-4 साल में तो दोस्ती हो ही जाती है, एक दूसरे को समझने लगते हैं, कंपनी स्टूडेंट्स को समझने लगती है, तो कंप्लीशन के बाद वही कंपनी आपको हायर कर लेती है। ये सबसे बेस्ट इस कोर्स की खासियत है। अब ये कोर्स करने के बाद किस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टूल मैन्युफैक्चर में आप काम कर सकते हो, पावर सप्लाई में आप काम कर सकते हो, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में भी आप काम कर सकते हो। तो ये सारे इस कोर्स में स्पेशलिटीज़ हमने आपको दिखाई आज, और ये वो एस्पायरेंट्स है जो पढ़ने में अच्छे है, फाइनेंशियली वीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैथ्स लेते हैं बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।